आप सब अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी पीए का, जो हमने लास्ट में ईपीएफओ पीए का जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, शॉर्ट नोटिस जो निकला हुआ था उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। किस तरीके का एग्जाम देखा जा सकता है इसमें, और जैसे कि यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है तो इसमें आपके पॉलिटी, हिस्ट्री हो गया, जनरल साइंस हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस तो मतलब सब्जेक्ट्स तो आना बनता है इसमें, कि ऑब्वियसली यूपीएससी जो भी एग्जाम कराता है उसमें ये सब्जेक्ट्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप 90% सिलेबस मान सकते हैं जो आपका ओवरलैप करेगा 80-90% ईपीएफओ ईओएओ एग्जाम के लिए। तो आप जो भी प्रिपरेशन उसकी करेंगे वही कंटिन्यू आप रखिए। अभी अभी आपको नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्वांट का सेक्शन आपका हो गया, रीजनिंग का सेक्शन हो गया, इंग्लिश का सेक्शन हो गया, और हिस्ट्री में आपका जो इंडिपेंडेंस, जो आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्ट है वो आपको करना है, इसके लिए आपकी स्पेक्ट्रम की बुक काफ़ी अच्छी रहती है। देन आपका पॉलिटी हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत से अच्छा आपको नहीं रह सकता इन एग्जाम्स के लिए मेनली। इवन दो अभी ये यूपीएससी में इतना हेल्पफुल नहीं रहती, बट स्टिल आप इन एग्जाम्स के लिए पॉलिटी को यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपका इंडियन इकोनॉमी हो गया। इंडियन इकोनॉमी में मैं मोस्टली सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो से ही करें, क्योंकि इसमें ना कुछ टर्म्स ऐसे रहते हैं जो हम जो लोग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के नहीं होते ना, वो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं पढ़ के, बट अगर आप वीडियोस देखते हैं एट द सेम टाइम तो आपको वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, तो आप वीडियोज़ को रिकमेंड कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, और सबसे अच्छे आपके मृणाल सर के हैं, बट हम वहाँ पे आपको अपडेट करना पड़ेगा जो करंट आपका जो सीनियर चीज़ें हैं उसको लेके, बट हाँ बेसिक्स आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं अपने। देन इंडियन इकोनॉमी के बाद में आपका हो जाता है पॉलिटी, पॉलिटी का मैंने आपको बता दिया। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरल साइंस में आपको ल्यूसेंट से अच्छी बुक हो नहीं सकती है। इसके अलावा अगर आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं और कुछ टर्म्स को समझने में दिक्कत आ रही है तो रिफर करिए यूट्यूब के वीडियोस, वो आपके लिए काफी अच्छा और हेल्पफुल रह सकता है इस प्रिपरेशन में। देन कंप्यूटर नॉलेज, सिविल स्टैट ने काफी अच्छा और अमेजिंग कंप्यूटर से रिलेटेड अपना मटेरियल दिया था लास्ट टाइम, तो आप उस उनके वीडियोस को भी यूज कर सकते हैं। और ये इतना ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, आप 4 या 5 दिन भी लग के देख लोगे इजीली आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लोगे। बाकी आपका जो मेंटल एबिलिटी हो गया, क्वांट हो गया, इसमें बेसिक्स आपको क्लियर करने हैं। देन आपको प्रैक्टिस करनी है एज मच एज यू कैन। एंड इंग्लिश में मोस्टली जो वन वर्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं ईओएओ में आपने देखे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके, और लास्ट टाइम भी आए थे 20 क्वेश्चंस आए थे आपके इंग्लिश से। एंड इस टाइम भी चांसेस काफ़ी है कि इंग्लिश से तो आप 20 क्वेश्चन मान के चलोगे आएंगे आएंगे ईओएओ में आपके, तो इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बता दिया है, और ये जहाँ तक है 200 मार्क्स का आपका होना चाहिए इसका पीए का एग्जाम, और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग होनी चाहिए जो कि 2 घंटे में आपको करना होगा एग्जाम, जहां तक है मैं ये बता रही हूँ आपको। इसका ये टेंटेटिव एक तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि कैसा हो सकता है। एफओ वाले सिलेबस को ही गो थ्रू करिए अभी, एंड इसका एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए 7 मार्च को, जहां तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा देन कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन टॉपिक वाइज मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से कैसे कवर कर सकते हैं अपने सिलेबस को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और एक तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे वीडियोस से, तो इनको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अपनी प्रिपरेशन को एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।